对啊，हाँ जैसे अशोक जी ने बताया स्पीड फोर्स इंडिया का नंबर वन मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विसेज का फ्रेंचाइजर है। स्पीड फोर्स और रेडी असिस्ट कंपनी का हम आज ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसमें मेन हम पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ओवरव्यू ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्रीज दूंगा, मार्केट पोटेंशियल, मिशन एंड विजन क्या है, व्हाट इज स्पीड फोर्स, व्हाई स्पीड फोर्स, हाउ इट वर्क्स, और सपोर्ट क्या कहेंगे, मॉडल आउटलेट प्लान भी हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चर और आरओआई भी डिस्कस करेंगे, और प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग का भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे अशोक जी ने बताया, वैसे स्पीड फोर्स इंडिया का नंबर वन मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप देखो ना, तो स्पीड फोर्स सेविंग के डिफरेंट स्किल सेट है, यानी कंपनी का अगर इंट्रोडक्शन दू तो यहाँ पे कोर ऑटोमोबाइल की टू व्हीलर सर्विस नेटवर्किंग की टीम है, यानी आपको जो बिजनेस में हम लेके आ रहे हैं वही बिजनेस की मेन ऑटोमोबाइल सर्विस की नेटवर्किंग की टीम यहाँ पे अवेलेबल है। यानी आपको राइट पर्सन राइट जगह पे और राइट डायरेक्शन में आपको मार्गदर्शन देने वाला है, बराबर। दूसरा सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की टीम है, बराबर। जैसे आपने सुना 350 से ज्यादा ऑलरेडी आउटलेट हमारे ओपनिंग हो गए हैं, तो वहां पे सेल्स एंड मार्केटिंग और ब्रांडिंग की टीम है। अकाउंट एंड फाइनेंस है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे आउटलेट है जो हाईली प्रॉफिटेबल है। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने लास्ट वीक में एक डेटा आया मेरे पास, हमारा पुणे में एक आउटलेट है 4.5 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू किया है। तो आप सोच सकते हैं कि वो अकाउंटिंग और फाइनेंस की वजह से और किस तरह से मार्केटिंग और सारा को क्रिएशन करके, बरबर सिंक्रोनाइज काम करके ये बिजनेस हम फैला रहे हैं और फ्रेंचाइजी को आगे लेके जा रहे हैं। दूसरा इंडस्ट्री सर्विस टेक्निकल, यानी टेक्निकल है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी में अपना टाइम दिया है, अपना बोले ना ह्यूज टाइम दिया है, वो टीम यहाँ पर सर्विस टेक्निकल की आपको सपोर्ट कर रही है। ईआरपी सिस्टम है और डिजिटल जमाना है, डिजिटल टू व्हीलर है और हमारे पास डिजिटल सॉल्यूशन है, समझ रहे। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी टीम की बात होगी। अभी मार्केट पोटेंशियल की बात करें कि टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज क्या है, बरोबर। टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज अगर आप देखो तो उसका सब्सटेंशियल ग्रोथ चल रहा है, बरोबर। ऑलमोस्ट 20% के ग्रोथ से ये इंडस्ट्रीज हर साल आईसी सर्विसेज की जो इंडस्ट्रीज है वो बढ़ रही है, और लास्ट 3 साल से बराबर ईवी ने आके धमाल बचा दिया है, बराबर। तो ईवी की इंडस्ट्रीज 600% के ग्रोथ से बढ़ रही है, तो ईयर ऑन ईयर, यानी लास्ट 3 साल का डेटा ये मैं दे रहा हूं। लेकिन अगर दोनों की बात करें ना, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक गैप है, और वो बहुत बड़ा गैप है। गैप क्या है? सेल्स और सर्विस के बीच में गैप है। सेल्स और सर्विस के की जो इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे बड़ा गैप है, क्या है? सर्विस का गैप है, बराबर। मैन्युफैक्चरर गाड़ियां बना रहा है, बेच रहा है, लेकिन उनका सर्विस रिडक्शन रेशियो ओनली 20% है, यानी 100 में से 20 कस्टमर मैन्युफैक्चरर के पास वापस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सर्विस करवाने के लिए, लेकिन बाकी के 80% कस्टमर कहाँ जा रहे हैं? तो बाकी के 80% जो कस्टमर है उनका क्यों नहीं आ रहे, उसका रीजन है उनका मेन फोकस होता है मैन्युफैक्चरर का वारंटी सर्विसेज में, बराबर। तो वारंटी गाड़ी में है तब तक उनका सर्विस में मेन फोकस होता है, तो उसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन उनके पास ऑलरेडी सेल्स का इतना प्रेशर है तो वहां पे वो सर्विस मैनेज नहीं हो रहा है। तो बाकी के कस्टमर कहाँ जा रहे हैं? अदर देन मैन्युफैक्चरर स्मॉल लोकल गैरेजेस पे जा रहे हैं, वहां पे भी अच्छा काम हो रहा है, बराबर। हम किसी का बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन काम क्या हो रहा है वहां पे? एक बंदा है जो पूरा आउटलेट मैनेज कर रहा है, पूरा आउटलेट में काम कर रहा है, वही कस्टमर को अटेंड करता है, वही जॉब कार्ड बनाता है, वही कस्टमर को बिल बनाता है, वही रिपेयर करता है। तो यानी लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच है, बराबर। दूसरा क्या है? पुअर हाउसकीपिंग है, वो अकेला आदमी कितना करेगा, वन मैन शो है, बराबर। तो वहां पे एक टू व्हीलर सर्विस की इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। हमारा एज ए स्पीड फोर्स विजन है ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बराबर। 70-80 साल से ये इंडस्ट्रीज चली आ रही है और पूरी इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज है, जिसको हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, टू बिकम द बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इन द कंट्री, बराबर। हमारा दूसरा मिशन है टू रीच लास्ट माइल कस्टमर एंड प्रोवाइड कंप्लीट टू व्हीलर डिजिटल सोल्यूशन, बराबर। यानी छेवाड़ानो आदमी छे वहां तक के आदमी को, यानी एक लास्ट माइल, यानी अगर लास्ट गांव
की बात करें तो जो गांव खेड़े में जहां पे टू व्हीलर यूजर है उनको भी टू व्हीलर की बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए, ये हमारा मेन मिशन है। व्हाट इज स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स में हम क्या करते हैं, इंडिया बेस्ट टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विस फ्रेंचाइजी कंपनी है, जहां पे हम एज ए फ्रेंचाइजी में पीरियडिक सर्विस करते हैं, माइनर मेजर रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं, बैटरी सर्विस करते हैं, बैकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं, इंश्योरेंस सर्विस देते हैं, यूज टू व्हीलर के ऊपर वारंटीज भी देते हैं, ईवी चार्जिंग एंड ईवी सर्विसेज भी करते हैं और रोड साइड असिस्टेंट एंड सर्विसेज भी करते हैं, जो हमारी ऑलरेडी कंपनी है रेडी असिस्ट, उनके रोड साइड असिस्टेंट और सर्विसेज भी वहां पे करते हैं। स्पीड फोर्स के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया टॉप 10 बिजनेस ब्रांड विनर कंपनी है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रीजन वही है कि इंडिया टॉप 10 बिजनेस ब्रांड विनर कंपनी है, इसीलिए आपको स्पीड फोर्स के साथ जुड़ना चाहिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस टीम है, जैसे मैंने पहले बताया वो मोर देन 300+ ईयर्स का ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर का एक्सपीरियंस है यहाँ की टीम को, बराबर ऑल अराउंड 360 डिग्री सपोर्ट से एस्टैब्लिश प्रॉफिटेबल बिजनेस, आपका बिजनेस प्रॉफिट में लाने के लिए 360 डिग्री सपोर्ट पूरा यहाँ पे अवेलेबल है। वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, बराबर 350+ फ्रेंचाइजी अक्रॉस द कंट्री है, मल्टीपल एवेन्यूज है यहाँ पे और वो आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बराबर बहुत सारे एवेन्यूज ऐसे है जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे सर्विस से पैसा मिलता है, स्पेयर पार्ट से पैसा मिलता है, लुब्रिकेंट से पैसा मिलता है, एएमसी से पैसा मिलता है, रोड साइड असिस्टेंट बेचते हैं वहां से पैसा मिलता है, इंश्योरेंस बेचते हैं वहां से पैसा मिलता है, और इंश्योरेंस का सर्विस देते वहां से पैसा मिलता है, रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस देते वहां से पैसा मिलता है, ऐसा सर्विस बेचते हैं वहां से पैसा मिलता है, यानी मल्टीपल रेवेन्यू का जो जरिया है वो मल्टीपल है, बराबर। दूसरी बात करें तो पीरियडिक एनालिसिस होता है हर एक आउटलेट का, पीरियडिक एनालिसिस थ्रू आवर विजिट्स, हमारी पूरी टीम है जहां पे वो विजिट होता है और ऑडिट्स होता है और प्रोग्रेसिव सजेशंस दिए जाते हैं, बराबर। दूसरी बात करें तो जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट का जो विजन है जनरेट टू एम्प्लॉयमेंट बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, बराबर, एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा देना है वहां पे हम ऑटोमोबाइल में लोगों को लाके ऑटोमोबाइल में एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं और उनके थ्रू, यानी एक आउटलेट बनता है तो उनके यहाँ 2 या 3 लोगों को जो जॉब मिलता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। दूसरा, हाउ स्पीड फोर्स वर्क, स्पीड फोर्स आपके साथ कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो आपका नीड एनालिसिस होगा, बराबर, तो आपका और वो एरिया का ये सर्विस का नीड है कि नहीं, तो नीड एनालिसिस होगा, उसके पास पोटेंशियल मैपिंग होगा, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन होगा, वहां पे हमारी विजिट होगी टीम की और साइट विजिट होगा, लेआउट प्रिपेरेशन होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, साइट रेडीनेस होगा, इंस्टॉलेशन होगा और फाइनल इंस्पेक्शन एंड रिपोर्ट्स भी होगा और मैन पावर एंड ट्रेनिंग भी होगा। दूसरा, मार्केटिंग एक्टिविटी और हैंड होल्डिंग एक्टिविटी भी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस वहां पे हम कर सकते हैं। उसके बाद की बात करें, दूसरा, स्पीड फोर्स कैसे काम करता है, हैंड होल्डिंग एक्टिविटी, फ्रेंचाइजी चालू करना, आउटलेट चालू करना, इट्स वेरी इजी जॉब, समझ रहे, बहुत ही इजी जॉब है जो हम ये चालू कर सकते हैं, बराबर। लेकिन हैंड होल्डिंग एक्टिविटी की हम बात करें तो हैंड होल्डिंग की बात करें तो कंप्लीट ट्रेनिंग होता है, जैसे फ्रेंचाइजी का ट्रेनिंग होता है तो हमारा एचओ में यानी हेड ऑफिस में होता है, बराबर। आज भी यहाँ पे हमारे हेड ऑफिस में फ्रेंचाइजी का ट्रेनिंग चालू है जहाँ पे 20 से 22 लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, बराबर। तो उस तरह का हर महीने हम एचओ में 5 या 6 दिन का ट्रेनिंग अरेंज करते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, बराबर। दूसरा होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है आपके टेक्नीशियंस का, एडवाइजर का, जो हमारी टीम विजिट आपके यहाँ आके वहां पे ग्राउंड में करती है, टाइमली विजिट होता है, ऑडिट्स होता है, टेक्निकल सपोर्ट्स होता है, अपग्रेडेशन होता है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बराबर, एक टाइम ऐसा था कि BS4 व्हीकल आ रहे थे, अभी लास्ट 3 साल से BS6 व्हीकल आ गया, अभी EV आ गया है, तो वो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उसका अपग्रेडेशन भी आपको करना बहुत ही जरूरी है, जो हम यहाँ पे हमारी टीम के साथ आपको करते हैं। बिल्डिंग ए लॉयल कस्टमर बेस थ्रू वेरियस चैनल, BTL एक्टिविटी, सोशल मीडिया कैनोपी एंड मास मार्केटिंग, यानी बिलो द लाइन एक्टिविटी, क्योंकि टू व्हीलर का जो कस्टमर है वो आपके एरिया में है और वो आपके एरिया का कस्टमर हम आपके आपको वहां पे टैप करना है, तो वहां पे बहुत सारी BTL एक्टिविटी हम करते हैं जो आगे फोटोग्राफ्स में मैं दिखाऊंगा, जैसे कि फ्री चेकअप कैंप है, कैनोपी एक्टिविटी है, AMC सेल्स है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज है, बहुत सारी ऐसी वैसी एक्टिविटी है। दूसरा, सोशल मीडिया प्रमोशन है आपके एरिया में, कैनोपी एक्टिविटी बताया, उस तरह मास मार्केटिंग है, कॉलेज है, कॉर्पोरेट्स है, वहां पे मास मार्केटिंग भी किया जाता है और उसके थ्रू डेटा सर्विस का एज वेल एज हम AMC का सेल्स भी करते हैं।
पैरेलली क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी चलाते हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मेन फुटप्रिंट की बात करें तो 200 से ज्यादा सिटीज में है, 28 स्टेट में अवेलेबल है। इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे ये सर्विस की बहुत ही बड़ी नीड है, बराबर। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, वो क्यों एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आज का जो टू व्हीलर है वो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल टू व्हीलर को रिपेयर करने के लिए डिजिटली लेटेस्ट वर्कशॉप होना जरूरी है, उसको एस्टैब्लिश करना जरूरी है जो आपके एरिया में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट एंड क्लीन, नाइस लुकिंग, पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आज की, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल युग है और वहां पे जैसे हमको पता ही है, बराबर, कि नीट एंड क्लीन होने से क्या फायदा है, तो वहां पे ये नीट एंड क्लीन वर्कशॉप होना भी बहुत ही जरूरी है। जहां पे कस्टमर आता है, कस्टमर से ग्रीटिंग्स होता है वगैरह सब, यानी वहां वही जगह पे, बराबर, कॉम्पिटेंट इफिशियंट कंटीजियस स्टाफ होना भी बहुत ही जरूरी है। टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है लेकिन उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। आप देखना आपके एरिया में अडेप्टेबिलिटी होगी, किसी ने भी अच्छे अच्छे बाइक मंगवा लेंगे होंगे, लेकिन उसको सर्विस करवाने के लिए दूर दराज के एरिया में जाना पड़ता होगा, बरबर। जो छोटे शहर से है उनको ये मालूम होगा, 50-60-100 किलोमीटर तक कस्टमर सर्विस करवाने के लिए जाता है। दूसरा, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बरबर, सब कुछ मोबाइल में चाहिए, बरबर, मोबाइल ऐप यानी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन, फिंगर टिप और सारा कुछ डोर स्टेप के चाहिए, क्योंकि आज किसी के पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा होता है, वो दो पैसा ज्यादा खर्च करके वो कुछ भी सर्विस ले लेता है, बरबर। दूसरा होता है वो क्विक रिस्पॉन्स देखता है कि कहाँ पे मेरे को एक्सप्रेस सर्विसेज मिल रही है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सप्रेस सर्विसेज भी अवेलेबल है। वो रेडी होता है एक्स्ट्रा पे करने के लिए, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए अपने व्हीकल को, एक्स्ट्रा सर्विसेज करने के लिए, क्यों, क्योंकि वो व्हीकल ही ऑलरेडी, आज की व्हीकल की बात करें तो सारे व्हीकल इतने महंगे हो गए हैं और हार्ड एंड मनी के बाद वो व्हीकल लिया जाता है, तो उसको मेंटेन करना और डिजिटल व्हीकल को मेंटेन करना एक अलग ही चैलेंज होता जा रहा है। और सोशल मीडिया का जमाना है, बराबर, तो वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी का भी होना बहुत ही जरूरी है। ये सारा कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है जिसको हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक, बरबर, कस्टमर के लिए यहाँ पे सर्विसेस है, सारी सर्विसेस, यानी आप देखो तो वॉशिंग सर्विस, टायर सर्विस, चार्जिंग सर्विसिंग, रोड साइड असिस्टेंट, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट रिपेयर, बैटरी सर्विसिंग, स्पेयर्स, लुब्रिकेंट्स एंड वॉशिंग, यानी एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेस उसको यहाँ पे मिल जाती। दूसरा हमारा सपोर्ट रहता है टूल्स एंड मशीनरीज, फ्रंट फ्रेशिया, ब्रांडिंग स्टेशनरीज, विजिट्स और ऑडिट्स होता है, मार्केटिंग किट दी जाती है, सॉफ्टवेयर होता है हमारा जो मोबाइल ऐप है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है, बरोबर, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है। आपके आउटलेट के ऊपर हमारी कंपनी की ओर से एक बंदा रहता है, वो मार्केटिंग करता है, वो एरिया में प्री पोस्ट मार्केटिंग ओपनिंग एक्टिविटीज होती है, और उसके बाद आपका पैरा ट्रेनिंग भी होता है जो मैंने बताया। वैसे यहाँ पे बड़ौड़ा में हेड ऑफिस में भी ट्रेनिंग होता है, एज वेल एज आपका ग्राउंड ट्रेनिंग भी होता है। हमारे ऑफिशियल पार्टनर है जैसे मिंडा के फैक्ट्री टू फ्रेंचाइजी, यानी आज तक क्या था कि आपको कोई भी टू व्हीलर या वर्कशॉप चला रहे हैं, बराबर, तो वो नजदीक की दुकान में मटेरियल लेने जाते, मटेरियल आपको पहुंचा रहे, बराबर। इंश्योरेंस सारी कंपनीज के साथ टाइप है, ईवी चार्जिंग लगा हुआ है और एएसटीसी सर्टिफाइड, बराबर, ट्रेनिंग पार्टनर से जो जो आपको ट्रेनिंग करते हैं, बराबर। और हमारी कंपनी जो है रेडियासिस, उनके थ्रू हम रोड साइड असिस्टेंट भी आपको भेजते हैं, एज वेल एज रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस दी जाती है, बरोबर। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एसेसरीज भी है और ईवी सर्विसेज अवेलेबल है। ये मॉडल आउटलेट है जो इस तरह का हम आउटलेट बनाएंगे, आपके एरिया में आपका आउटलेट बनेगा, जैसे यहाँ पे आपका आउटलेट का नाम रहेगा और पूरा यहाँ पे लोगो वगैरह सब, यानी फ्रंट फेसिया होगा, इंटरनल ग्राफिक्स होगा, मशीनरीज लगेगी, स्पेयर पार्ट का एरिया होगा और कस्टमर का बैठने का एरिया होगा, यानी इस तरह का मॉडल लेआउट प्लान है, उस तरह का आपका जगह के हिसाब से उसका लेआउट बना के वो आउटलेट हम बनाते हैं। इस तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी होगी जैसे मैंने बताया, बरबर, कैनोपी एक्टिविटी, अम्ब्रेला एक्टिविटी, फ्री चेकअप कैंप होगा, ऑयल चेकअप कैंप होगा, बरबर, एएमसी सेल्स का कैंप होगा, और इस तरह से डेटा गैदरिंग भी किया जाएगा, एज वेल एज आपके एरिया में आपका आउटलेट को लॉयल कस्टमर बनाने में
भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। जैसे मैंने बताया फ्रेंचाइजी ओनर्स का ट्रेनिंग होता है, तो इस तरह का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है जहां पे फ्रेंचाइजी को आना है और यहाँ पे रुकना है और यहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंचाइजी का एक क्लासरूम ट्रेनिंग होता है एज वेल एज उनका फील्ड ट्रेनिंग भी होता है। ये फ्रेंचाइजी ओनर्स का ट्रेनिंग होता है। अभी ये मैं तो बताऊँ तो फ्रेंचाइजी ओनर्स के यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी टीम का एक ट्रेनिंग होता है जो हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, क्योंकि ये कंपनी है स्पीड फोर्स, वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा मानती है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारी ट्रेनिंग की टीम है जो बड़ौदा में हमने ट्रेनिंग किया था, क्लासरूम ट्रेनिंग एज वेल एज यहाँ पे फील्ड ट्रेनिंग। और ये हमारा नोएडा में ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आज से ऑलरेडी वहां पे भी ट्रेनिंग चालू है, और ये हमारा बिहार में भी ट्रेनिंग सेंटर है और अलग अलग जगह पे और भी हम ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। 24/7 रोड साइड असिस्टेंट हमारी कंपनी रेडी असिस्ट का हम आरएसए भेजते हैं और आरएसए का सपोर्ट भी करते हैं। बराबर, दूसरा क्या बात करूं तो मैं एवरी नुक एंड कॉर्नर बराबर के सारे पैकेजेस अवेलेबल है कस्टमर के लिए। 365 डेज वैलिडिटी का 24/7 सपोर्ट है, 5 इंसिडेंट्स इन ईयर सपोर्ट है, 30-40 मिनट्स में हमारा कोई भी टेक्नीशियन, सिर्फ स्पीड फोर्स नहीं उसके अलावा हमारे पास 9000 प्लस हमारे पार्टनर भी है जो ग्राउंड पे ऑलरेडी कनेक्टेड है विद टेक्नोलॉजी। यानी इंडिया में कहीं पे भी कोई भी पिन कोड में आप रुक गए तो आपका व्हीकल रिपेयर करने के लिए रेडी असिस्ट का बंदा आ जाएगा। बराबर, पैन इंडिया सपोर्ट है, सारा सपोर्ट है, माइनर रिपेयर से टोइंग सर्विसेज है, बैटरी जंप स्टार्ट है, बराबर की लॉक असिस्टेंट है, फ्लैट टायर है और मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी हम है। उसके पैकेजेस भी हम आउटलेट के थ्रू भेजते हैं एज वेल एज हम आउटलेट के थ्रू वो ये रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस भी देते हैं। एक्सक्लूसिव स्पेयर पार्ट और लुब्रिकेंट्स की हमारी पूरी रेंज है जहां पे आप आउटलेट के ऊपर बेच भी सकते हैं एज वेल एज आपके आउटलेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। बराबर, जैसे चेन क्लीनर है, लुब्रिकेंट्स है, कार्बेटर क्लीनर है, ऑयल है, स्पीडोमीटर है, केबल्स है और बेरिंग्स है और सारे लाइनर्स वगैरह भी अवेलेबल है। ये सारे स्पेयर पार्ट है जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल स्पेयर्स में किए जाते हैं। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बरोबर स्मॉल बिजनेस अवार्ड मिला हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जी बिजनेस की ओर से, ईवी सर्विसेज का अवार्ड मिला हुआ है, आइकॉन्स ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है, बरोबर गुजरात सीएम ने टॉप 25 कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनी का जो खिताब है उसको भी स्पीड फोर्स में नवाजा गया है गुजरात में, और एएसडीसी का जो मैंने बताया तो एएसडीसी के साथ भी टाइप है। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो एएसडीसी के साथ टाइप है और जो ओईएम नहीं है। बरोबर, हम कोई व्हीकल नहीं बनाते फिर भी एएसटीसी के साथ टाइप है। बरोबर, बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला हुआ है ई मोबिलिटी और मैंने जैसे बताया इंडिया टॉप 10 बिजनेस ब्रांड का भी अवार्ड स्पीड फोर्स को मिला हुआ है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी, इसमें हम पूरा आउटलेट बना के देंगे आपको। फ्रेंचाइजी फी होता है 75,000 का, 2.25 लाख का मशीनरीज वगैरह इंस्टॉलेशन, इंटरनल सुपरग्राफिक्स 75,000 रुपया, ट्रेनिंग ऑडिटिंग मॉनिटरिंग 75,000, स्टेशनरी सॉफ्टवेयर 50,000 रुपया, यानी टोटल मिला के 5 लाख रुपए का आपका एक इन्वेस्टमेंट होता है। उसके अलावा आपका 50,000 का स्पेयर पार्ट में इन्वेस्टमेंट होता है और 10,000 का आपका आरएसए में इन्वेस्टमेंट होता है प्लस जीएसटी जो भी परसेंटेज होता है वो लिया जाता है। मतलब तो नीट एंड क्लीन बिजनेस है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू आपकी बात करो, रेवेन्यू में 5 व्हीकल भी अगर आते हैं तो रोज का 1500 के आसपास का डेली मार्जिन बन जाता है, क्योंकि इंडिया में कहीं पे भी टू व्हीलर या थ्री व्हीलर और टू व्हीलर या आईसीआईवी कोई भी रिपेयर करवाने जाओ 250-300 रुपया लगता है। लुब्रिकेंट की बात करें तो 30% मार्जिन है, हमारी खुद की ब्रांड का लुब्रिकेंट भी है जो वहां पे 30-40% मार्जिन देते हैं, स्पेयर पार्ट लुब्रिकेंट्स वहां पे 30% मार्जिन है, एक्स्ट्रा लेबर भी जनरेट होता है और मेजर जॉब भी किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज 3,500-4,000 का रेवेन्यू होता है। बरोबर, तो महीने का अगर हम बात करें तो 90,000 से 1 लाख का रेवेन्यू होता है, ये डायरेक्ट रेवेन्यू होता है सिर्फ सर्विसेज और लुब्रिकेंट स्पेयर पार्ट में ही और एक्स्ट्रा लेबर और मेजर जॉब में लिखा है। उसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम जैसे मैंने बताया मल्टीपल रेवेन्यू से यहाँ पे, बरोबर, तो इंश्योरेंस का पैसा, स्क्रेप, यूज्ड ऑयल, फॉर्म वॉश, ईवी सर्विसेज, आरएसए, बरोबर हमारा आरएसए बेचना, सर्विसेज का रेवेन्यू, एक्सेसरीज, ईवी चार्जिंग, एएमसी का रेवेन्यू, बाइक मॉडिफिकेशन, बैटरी सर्विस और स्पेयर पार्ट काउंटर से भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि आपको ये मटेरियल फैक्ट्री से डायरेक्ट दिया जाता है। अगर इनकम और एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस बहुत कम लगता है क्योंकि अब छोटा सा सेटअप लगाना है और मेन रोड पे नहीं लगाना है, रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल एरिया में लगाना है तो जगह का भाड़ा भी बहुत कम लगता है।
तो 15-20 हजार अगर रेंट की बात करें, सैलरी की बात करें, सब मिला के अगर बात करें तो 50-60 हजार का खर्चा होता है। तो 90,000 से 1,00,000 की रेवेन्यू के सामने 50-60 हजार खर्चा सिर्फ डायरेक्ट इनकम में निकालेंगे तो भी 30-40 हजार रुपये हम डायरेक्ट बचा सकते हैं। ये पूरी हमारी टीम है, जो मैं आपके सामने दीपेन हूँ, अशोक सर है, जो अशोक शाह है जो हमारे टेक्निकल वगैरह देखते हैं, और कपिल भाई जो पूरा ऑपरेशंस वगैरह और डेवलपमेंट देखते हैं, यानी टीम पूरी तीन लोगों की टीम ने चालू करने के बाद आज 300 लोग ऑर्गेनाइजेशन में है और 350 से ज्यादा फ्रेंचाइजी रिक्रूट किए हुए है। तो यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे इस तरह का ऑनबोर्डिंग का अगर हम बात करें तो ऑनबोर्डिंग होता है, एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाता है आपका, 1,00,000 प्लस GST आपका अमाउंट इनिशियल अमाउंट होता है, उसके बाद LOI दिया जाता है, तो आपके एरिया में हम किसी आपको एज ए फ्रेंचाइजी रिक्रूट करते हैं। उसके बाद आपका सर्च लोकेशन करना पड़ता है, वहां से अप्रूवल आता है, हमारा टीम विजिट करता है, बेसिक साइट वर्क होता है, वेंडर पेमेंट होता है और ऑनर्स का ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग को ये हमारा आउटलेट चालू कभी नहीं होता। फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल प्रोविजन होता है, उसमें आपका लोकल सपोर्ट भी लगता है, क्योंकि ये बिजनेस हम और आप साथ में मिलके आपके एरिया में फैलाने वाले हैं, तो वहां पे हमारा और आपका दोनों का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जो जिस तरह से वहां पे बिजनेस करना है। बरो तो मैन पावर का रिक्रूटमेंट की बात करें या ट्रेनिंग की बात करें, अपॉइंटमेंट लेट की बात करें और उसके बाद इनोग्रेशन की बात करें और आपका बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ऑनबोर्डिंग यानी हैंड होल्डिंग एक्टिविटी की बात करें, तो सब जगह के हम साथ मिलके काम करने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अभी एक हम छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर एक अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड टू व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियन को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए 3 पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंक लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में
सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाइप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।